अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है और मैं बहुत दफ़ा ये बता भी चुकी हूँ कि हम थैलेसीमिया मेजर्स जब आयरन क्लेशंस करते हैं तो हमारे प्रेस्फ्रॉल हो गया या कोई भी दवाई हम इस्तेमाल करते हैं उसके साथ हमारा कैल्शियम, विटामिन डी और बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं वो आयरन के साथ निकल जाते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। अफसोस की बात है कि अभी भी पूरे पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया जाता और हमारे बहुत सारे फेलोज़ विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम नहीं लेते और बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे होते हैं, जैसे कि कमर में दर्द, पैरों में दर्द या फिर जिसे हम बहुत हरफ आम में कहते हैं नस पे नस चढ़ना, इस तरह की बहुत सारे मसाइल से दो चार होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता करना क्या है। तो ये जो सप्लीमेंट मैं बहुत लोगों को रिकमेंड भी करती हूँ, ये मैंने अपने हेमाटोलॉजिस्ट को भी दिखा चुकी, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को भी दिखा चुकी और बहुत सारे थैलेसीमिया मेजर्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। तो एक ये और एंडोक्रोनोलॉजिस्ट की बताई हुई प्रोगिनोवा, ये सिर्फ जिनको प्रिस्क्राइब की गई है वही लें। ये इस वीडियो का मकसद एक सप्लीमेंट की तरफ आपको बेनिफिट्स बताना था, दूसरा कि हम आजकल हमें बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं कि किसी शहर में जो है वो दवाई नहीं मिलती या कोई और दवाई जो हम ढूंढ रहे हैं वो शॉर्ट है, नहीं मिल रही, एक्सपेंसिव मिल रही है। तो फेथ जो है वो फैसिलिट करना चाहता है अपने तमाम थैलेसीमिया फेलोज़ को कि अगर आपको कोई दवाई जो आपको लाजमी चाहिए अपनी अपनी ट्रीटमेंट के लिए और वो नहीं मिल रही तो आप हमसे रब्ता कर लें, हम उन्हें मिनिमम से मिनिमम जितना भी हो सका होलसेल रेट्स हो गए या जो भी कम प्रॉफिट से हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जस्ट आप हमें उस मेडिसिन की पेमेंट करें, आप डिलीवरी की पेमेंट डिलीवरी चार्जेस दें और ये आपके डोर स्टेप पर हम डिलीवर कर देंगे। ये सप्लीमेंट और ये मेडिसिन भी मुझे किसी फेलो ने रिक्वेस्ट की थी जिसके लिए हमने अरेंज की है और ये सप्लीमेंट तो मैं बजाते खुद पर्सनली भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स हैं जो जिंक और मैग्नीशियम पर फोकस नहीं करते, ये बहुत लाजमी है, आप इस पर भी फोकस करें, अपने डॉक्टर से इस पर बात करें, कंसल्ट करें, उनसे सवाल करें और जो जो मेडिसिन आपको रिक्वायर्ड हैं आप मुझसे बात कर लें, मुझसे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे।